नमस्कार प्रिय साथियों, आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक और नई अपडेट के साथ। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय मंत्री श्री टीकाराम जो हाल ही में विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का वर्चुअली शुभारम्भ कर दिया गया है। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप के फॉर्म 15 सितंबर 2023 से 7 नवंबर 2023 तक भर सकते हैं। आप ये आवेदन इस मद में आप जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, आपकी बार स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में बहुत सारे नए बदलाव किए गए हैं। ये प्रावधान, जैसे आप एक बार संस्था भरने के बाद, यानी संस्था आप जैसे कॉलेज एक बार फिल कर देते थे, उस तरह से आप कॉलेज फिल करने के बाद चेंज नहीं होंगे दोस्तों। पहले ये कॉलेज चेंज हो जाते थे, और पहले ये था कि यदि आप गलती से कोई संस्था फिल कर देते हैं तो उसको ऑब्जेक्शन भी डाल देते थे, ऑब्जेक्शन के बाद उसे आप सही कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अब की बार जो आवेदन किए जाएंगे वो बायोमेट्रिक या आईरिस स्कैन या फेस रिकॉग्नाइज के माध्यम से किए जाएंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे दोस्तों, हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट की बात आती है दोस्तों। ये बीपीएल कैटेगरी में आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, और अब जो जन आधार में इनकम सर्टिफिकेट का नया ऑप्शन आया है, इसके माध्यम से आपको किसी भी तरह से इनकम फिजिकली नहीं बनवाना होगा। ये सिर्फ आपको जन आधार में ही अपडेट करवाना होगा। साथ ही दोस्तों, जाति और मूल जो प्रमाण पत्र है वो आपको अब स्कॉलरशिप की टाइम या उससे पहले ही आपको जन आधार में अपडेट करवा के रखने होंगे। तो दोस्तों, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अपना जन आधार एक्यूरेट आपके डॉक्यूमेंट्सों के अकॉर्डिंग रखें, जिससे आपको भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के फॉर्म को भरने में परेशानी ना हो। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने के लिए दोस्तों, आपको इनके अलावा एक फीस की रसीद और लास्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो पिछली कक्षा आपने उत्तीर्ण की है वो मार्कशीट आपको चाहिए होगी, और जो आपने एडमिशन किया है उस टाइम फीस की जो रिसीप्ट आपने प्राप्त की है वो फीस की रसीद आपको चाहिए होगी दोस्तों। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करा दी। दोस्तों, बताना चाहूँगा, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजना है जो जानकारी के अभाव में आपसे छूट जाती है। मैं उनको वन बाई वन आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहली आती है कालीबाई भील मेगाबी स्कूटी योजना। इस योजना के अंतर्गत गर्ल्स स्टूडेंट को जिनकी 12वीं में 75% या उससे ऊपर है, उनको फ्री स्कूटी वितरण की जाती है। दूसरी एमबीसी के लिए योजना है दोस्तों, जिसका नाम है देवनारायण स्कूटी इंटेंसिव योजना। तीसरी योजना आती है दोस्तों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। इसके बाद चौथी आती है दोस्तों, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना। पाँचवीं योजना है दोस्तों, टाडा डिपार्टमेंट से, जिसमें गर्ल्स को स्कूटी मिलती है। छठी योजना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, जिसमें गर्ल्स को स्कूटी मिलती है। इन सभी योजनाओं का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप विजिट करके भी इन्हें अच्छी तरह देख सकते हो और अपनी एलिजिबिलिटी अनुसार ये फॉर्म फिल कर सकते हो। हाल ही में 2023-24 के लिए ये फार्मों की डेट जा चुकी है दोस्तों। इनमें सिर्फ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ही फॉर्म 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, आप यदि एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए तो स्कॉलरशिप का ये फॉर्म आप जरूर फिल करें, और यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त समयराज आपकी पूर्ण रूप से सहायता करने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।